क्या कड़वाहट की वजह से आपने मेथी के लड्डू नहीं खाए हैं? तो अब और नहीं, मैं लाई हूँ आपके लिए मारवाड़ी स्पेशल मेथी के लड्डू की रेसिपी। इसके लिए ले लेते हैं मेथी, उसे बिल्कुल साफ़ कर कर आप बारीक पीस कर तैयार कर लें। ये देखिए बिल्कुल बारीक हमने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। वैसे मेथी का पाउडर आपको बाज़ार में भी मिल जाता है, पर घर पर ही आप इसे तैयार करें। अब इसके लिए ले लेते हैं गरम दूध। यहाँ मैंने गरम दूध का इस्तेमाल किया है। गरम दूध से होगा ये कि जो हमारी मेथी है वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। अक्सर लोग कड़वाहट की वजह से मेथी के लड्डू नहीं खाते हैं, तो हम आज इसको इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और सबको ये लड्डू बहुत पसंद आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने बिल्कुल गरम गरम दूध, बिल्कुल उबला हुआ दूध यहाँ लिया है, और आधा लीटर दूध को इस आधा केजी मेथी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। होगा ये कि इस तरीके से जो हम लड्डू बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे और इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होगी। अब इसमें ऐड कर लेते हैं घी। घी डालने की वजह से जो ये मेथी है और जब ये फूल कर तैयार होगी तो ये बिल्कुल टाइट नहीं होगी, एकदम सॉफ्ट मेथी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ देसी घी का इस्तेमाल कर लेना है। घी डालने के बाद इसे मेथी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे पुराने लोग जिस तरीके से रेसिपी तैयार करते थे वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती थी, तो आज मैंने बिल्कुल पुराने पारंपरिक तरीके से इस मेथी के लड्डू को बनाने के लिए माँ को ही बुलाया है, तो माँ ही इस लड्डू को बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ हमने घी और दूध ऐड करने के बाद इस मेथी का जो पाउडर है उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद उसको 3 से 4 घंटे के लिए हम ढककर छोड़ देंगे। इसकी वजह से मेथी जब दूध और घी में फूल कर तैयार होगी तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढककर हम छोड़ देते हैं। अब 3 से 4 घंटे मेथी को ढककर हमने छोड़ दिया है। उसके बाद अब इसे चेक कर लेते हैं कि अपनी जो हमने मेथी भिगा कर रखी थी वो किस तरीके की तैयार हुई है। ये देखिए चम्मच की सहायता से पहले इसको थोड़ा सा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद बिल्कुल साफ़ हाथ आप धो लें, और उसके बाद इस मेथी को इस तरीके से आपको जो हमने मेथी में दूध डालकर तैयार किया था उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ ले लेते हैं घी। आज जो ये मेथी के लड्डू हम बनाकर तैयार कर रहे हैं ये ऑर्डर पर ही बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही मैंने रखी हुई है। अगर आप घर पर इसे बनाकर तैयार कर रहे हैं तो क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। तो इसी क्वांटिटी में आज मुझे ऑर्डर आया हुआ था, तो ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही मैंने तैयार की है, तो थोड़ी ज़्यादा ही तैयार हुए हैं मेथी के लड्डू। अब यहाँ घी को ऐड करने के बाद इसमें डाल लिया है आटा। आटा जब अच्छे से सिक जाए उसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं बादाम। बादाम आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, पर मेथी के लड्डू में जब इस तरीके से बादाम आते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आटा और बादाम डालने के बाद इसे अच्छे से हम पकाकर तैयार कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर लेते हैं गोंद। कुछ लोग गोंद को अलग से भी घी के साथ फुलाकर तैयार करते हैं, पर उसमें घी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस तरीके से जब अपना अच्छे से आटा सिक जाए उसके बाद आप गैस की फ्लेम को फुल कर दें और उसके बाद इस गोंद को डालते जाएँ, तो आप इस आटे को हिलाते रहें और साथ साथ में गोंद को भी ऐड करते रहें ताकि जो हम गोंद डाल रहे हैं वो अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। तो जब गोंद अच्छे से फूल जाएगा तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गोंद फूल कर तैयार हो चुका है। यहाँ फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। अब इसमें ऐड कर देते हैं मखाने। ये जो हम व्रत में मखाने खाते हैं उसी मखाने का आज यहाँ इस्तेमाल किया है। आप थोड़े से मखाने ले लें और उसको घी में भून कर तैयार कर लें, और हाथ से दबा कर देख लें अच्छे से, जब फूट जाए मखाने उसके बाद उसे पीस कर तैयार कर लें। अब यहाँ ऐड कर दिया खोपरा। तो आप पिसे हुए नारियल का जो पाउडर बाज़ार में मिलता है उसका इस्तेमाल ना करें, इसी तरीके से आप घर पर ही तैयार करें। अब ऐड कर लेते हैं काली मिर्च। सर्दियों में इन सारी चीज़ों को खाना बहुत ज़रूरी होता है और सभी लोगों को ये खाना चाहिए। एक तरीके से ये जो मेथी के लड्डू बना रहे हैं ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। तो सर्दियों में आप ये ना सोचें कि इतना घी खाकर आपका फैट बढ़ जाएगा, इससे फैट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। अब यहाँ जो हमने पहले मेथी तैयार की हुई थी उस मेथी को इस जो हमने आटा तैयार किया उसमें ऐड कर लेते हैं। ये बिल्कुल गरम गरम ही, अभी पाउडर जो हमने गोंद और आटा जो तैयार किया है वो बिल्कुल गरम है, पर क्योंकि क्वांटिटी यहाँ ऑर्डर की वजह से थोड़ी ज़्यादा है इसलिए इसको गैस पर हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अच्छे से अपना आटा सिक चुका था, उसके बाद हमने जो मेथी तैयार की हुई थी उस मेथी को यहाँ ऐड कर लिया है, और उसे बिल्कुल जल्दी जल्दी से अच्छे से इन सारी चीज़ों में ऐड कर लेना है। अब यहाँ गरम, जब थोड़ी ये हल्की गरम रह जाए उसी स्टेज पर यहाँ बूरे का इस्तेमाल कर लेना है। बूरा डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मेथी के लड्डू को, और ये हल्के से गर्म रहे उसी स्टेज पर मेथी के लड्डू को बनाकर तैयार कर लेना है। क्योंकि मुझे जिसने इस मेथी के लड्डू को आज मुझसे बनवा कर तैयार करवाया उनको इसी साइज़ के लड्डू चाहिए थे,
आप चाहें तो इसके बड़े छोटे जैसे भी लड्डू आप पसंद करते हो साइज के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ जो हमने काली मिर्च, खोपरा, बादाम, घी जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो सारी चीज़ें हमें सर्दियों में खानी चाहिए। देखिए मेथी के लड्डू तो बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुए हैं। मेरी गारंटी है कि इस तरीके से अगर आप मेथी के लड्डू बनाकर तैयार करते हैं तो बिल्कुल भी खारे नहीं बनेंगे। बड़े बच्चे सब इससे बहुत आराम से खा सकते हैं। पहले भी मैंने आपके साथ पिन्नी, गोंद के लड्डू, कई तरह की रेसिपी शेयर की हुई हैं। आप इस तरीके से मेथी के लड्डू को बनाएं और इन्जॉय करें। और आज जो आप मेथी के लड्डू बना रहे हैं वो आपके किस तरीके के बने ये आप मुझसे ज़रूर शेयर करें।